अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल लेबर. सो लेट्स बी स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज असंगठित, कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, वो संगठित नहीं है, बिखरी हुई है. भारत में कृषि श्रमिक पूर्ण रूप से असंगठित है, उनका कोई मजदूर संघ नहीं है, अक्सर वे अपने मालिकों की दया पर होते हैं. एक तरह से वो अपने मालिकों पे निर्भर रहते हैं. अगर वो जितनी भी वेजेस दे देते हैं उनको, उससे ही वो काम चला लेते हैं. वो किसी को मतलब प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, असंगठित होते हैं वो कमज़ोर होते हैं. सेकेंड इज कम मजदूरी. भारत में कृषि श्रमिकों की मुख्य विशेषता उनकी कम मजदूरी दर है. पिछड़े हुए राज्यों में मजदूरी दर बहुत ही कम है, श्रम की पूर्ति उसकी मांग से बहुत अधिक है. इंडिया में जो मजदूर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मांग है बहुत कम है. पूर्ति अधिक होने के कारण मांग बहुत कम है, इसके कारण जो वो वेजेस जो हैं बहुत कम हैं, और जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनमें और भी ज़्यादा कम है मजदूरी दर. सेकेंड इज़ मजदूरी दर मतलब उनको मिलने वाले पैसे, पूंजी. थर्ड इज़ निम्न सामाजिक स्तर. भारत में अधिकतर कृषि श्रमिक निम्न जातियों, दलितों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका सामाजिक स्तर निम्न होता है. तो जो एग्रीकल्चर लेबर है वो उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी ज़्यादा हाई नहीं है, वो बहुत लो है, जिसकी वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट है उसकी, जो कि वो जनजातियों, दलितों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों से बिलोंग करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज़ अकुशल. जो इंडियन एग्रीकल्चर लेबर है वो बहुत अकुशल होती है. भारत में कृषि श्रमिक अकुशल श्रमिक हो बेशक काम करते करते वे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, इसलिए कार्यक्षमता प्राप्त कर देते हैं. मतलब उनको इतने दिनों से काम करते रहते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, वो स्किल्ड लेबर बन जाते हैं, इसलिए उन्हें कुशलता मिल जाती है. फिफ्थ इज़ प्रवासी और अनियमित. भारत में कृषि श्रमिक प्रवासी हैं, इसके कारण से उनकी मांग केवल फसल बोने और फसल काटने के मौसम में बढ़ जाती है. इस प्रकार बाकी समय में बेरोजगारी का शोषण के शिकार हो जाते हैं. कि फिफ्थ पॉइंट में मतलब ये अनियमित और प्रवासी होते हैं, कि मतलब अगर कहीं भी लेबर की ज़रूरत होती है तो ये कभी भी काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो मांग है वो एक थोड़े बहुत टाइम के लिए होती है, जैसे कि फसल बोने और काटने के टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के लिए, और बाकी टाइम में बेरोज़गार होते हैं, इसलिए इनका कभी भी इनसे काम कराया जा सकता है, हर टाइम अवेलेबल होते हैं. तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे. थैंक यू, बाय, टेक केयर.